हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल तब्रेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं बेलग्रेड के रिपब्लिक स्क्वायर पे। आप पीछे का व्यू देख सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग, हमारे इंडियन लोगों ने रिक्वेस्ट किया और मैंने भी जानने की कोशिश की। और मॉर्निंग का टाइम पे मैं जब उठा तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग मुझे मिले। अभी उनसे इंशाल्लाह मुलाकात और होगी, लेकिन इस वक्त मैं हमारे कुछ भाई लोगों से के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो कि यूपी से, आजमगढ़ से हैं। और इनकी स्ट्रगल, इनका जो स्ट्रगल रहा जीवन में, इन्होंने जो जीवन में हासिल किया, जो पाया, जो झेला, जो मुसीबत के साथ मतलब कोशिश करते रहे, और कोशिश का ये नतीजा है कि आज ये बेलग्रेड में यहाँ पे यूरोप में बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा से दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे, रब से दुआ करेंगे दोस्तों कि ये लोग और भी आगे बढ़ें। बट एक चीज़ मैं आपको सब बताना चाहता हूँ। जिस तरह से अबू सर भाई ने कुछ चीज़ें बताई, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को भी मालूम पड़े कि इतना आसान नहीं है वो सफ़र, वो डगर जिसे तुझे चलना है दोस्तों। रास्ते में कई पत्थर आएंगे जिसको मतलब क्रॉस करते हुए आपको जाना है। तो अबू सर भाई, स्वागत है मेरे चैनल तब्रेज मलिक में, जो कि अक्सर एक मेरा टोन रहता है कि आपका चैनल है, सबका चैनल, हमारे आम भाइयों लोगों का। अबू सर भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आप का पहले का स्ट्रगल कहाँ का रहा, आप कहाँ से आए हैं, आपने कैसे कैसे यूरोप के बारे में सोचा, यूरोप के बारे में सर्बिया ही क्यों आपने सोचा, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा इस थोड़े से चीज़ों के बारे में। अच्छा अच्छा, मैं बेलग्रेड आने से पहले मैं वहाँ सऊदी में था। अच्छा, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कहाँ थे आप? मदीना में था। मदीना में, माशाल्लाह, सात साल वहाँ था। बहुत अच्छी बात है। वहाँ से कोरोना में चला गया घर, तो फिर फंस गया वहीं पे। हाँ, तो फिर वहाँ से फिर एक मेरे गाँव का आदमी यहाँ पे आया बेलग्रेड में। जी, बेलग्रेड। तो उसने हम लोग को बताया, फिर हम हैं ये अदीब है बताया, तो हम लोग यहाँ पे फिर उसके थ्रू आए। उसके थ्रू आए। हाँ। ओके, तो ये चालू आपका प्रोसेस कब चालू हुआ था? हम लोग का प्रोसेस चालू हुआ दिसंबर 2022। अच्छा, मतलब लगभग साल भर लग गया सारे सोचते सोचते भी हर चीज में, है ना? तो मतलब आपका एक कैलकुलेशन कह सकते हैं कि साल भर का आपका स्ट्रगल रहता है कोई भी यूरोप में जाने के लिए। हाँ, यूरोप में आना तो उतना लगेगा, है ना? तो ये नहीं कि आज पेपर जमा किया कल मिल गया, नहीं ऐसा कुछ, है ना? मिनिमम। तो अभी आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे जब आए हैं तो क्या काम करते हैं आप एक्चुअल में? यहाँ पे हम हैं वेयर हाउस में। अच्छा, वेयर हाउस में काम करते हैं। तो आपको जो वेयर हाउस में काम करते हैं तो कितना टफ काम होता है ये? यहाँ पे टफ काम का मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आदमी जो इंडिया में काम किया हुआ मजदूर टाइप का है, तो अब हम लोग भी मजदूर ही है। हाँ, तो वो लोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हर कोई बंदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, जो फैक्ट्री वर्कर में आप काम करते हो या वेयर हाउस में काम करते हो जी, तो ये कितने घंटे का काम करना पड़ता है यहाँ पे? ड्यूटी आवर्स क्या होती है? ड्यूटी आवर्स यहाँ पे मैक्सिमम जो है हर जगह 10 घंटे की है। 10 घंटे की ड्यूटी हम लोग की भी 10 घंटे की है। हाँ। और 1 घंटे का बीच में ब्रेक होता है। ओके, ब्रेक में मतलब खाना कंपनी देती है? नहीं नहीं, खाना कंपनी नहीं देती है। अच्छा, खाना हम लोग अपना लेके, लेकिन उसका वाउचर विचर सुना में जो देते हैं, मंथली एक्सपेंस देते हैं खाने का। हाँ, मंथली एक्सपेंस देते हैं, अब उसमें से आप कितना खा रहे हैं। तो खाना बना के घर से लेके आते हैं, तो कितना मंथली एक्सपेंस आता है खाने का? खाने का आ जाता है 100 यूरो देती है कंपनी, तो हम लोग उतना 100 यूरो में चल जाता है, चल जाता है। और रूम का कंपनी देती है? रूम कंपनी। तो एक रूम में कितने लोग होते हैं? एक रूम में भी 4 लोग 5 लोग, किसी में 6 लोग। सिंगल बेड होता है? नहीं नहीं, डबल बेड। डबल बेड होता है। और बाकी जो ब्लैंकेट पिल्लो सब देती है कंपनी? सब देती है। और मेडिकल का बेनिफिट क्या है? मेडिकल का बेनिफिट वो कंपनी देती है, कार्ड बना के देती है, लेकिन उसका कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है। सिर्फ ये है कि एंट्री होने के लिए आपको कार्ड की जरूरत पड़ेगी, हेल्थ का। हाँ, ओके। अगर बीमार उमार पड़े तो? बीमार पड़े तो वो कार्ड के थ्रू ही आप जा पाएंगे, नहीं तो अगर, नहीं। हाँ, अगर कार्ड नहीं है तो आप। एक सवाल और है, जब वीजा मिल जाता है, जब ट्रेवल आप करते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके चलना चाहिए? डॉक्यूमेंट वहाँ पे देते हैं, जैसे पहले तो CV, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, CV के साथ फिर पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट। हाँ, फिर उसके नीचे 10th की मार्कशीट। हाँ, और आपने जो काम किया हुआ पहले से इंडिया में है उसका एक्सपीरियंस लेटर। हाँ, वो चीज आप सबमिट करेंगे। हाँ, तो उसके थ्रू आपको ऑफर। और एयरपोर्ट पे यहाँ पहुँचने के बाद कोई सवाल करते हैं लोग? नहीं, यहाँ पे तो सवाल नहीं करते, इंडिया में ही सवाल करते हैं। अपने दिल्ली या मुंबई? हाँ, दिल्ली मुंबई। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे आने के बाद कंपनी आपको एयरपोर्ट पे पिकअप करने आई थी? हाँ, आई थी। और फिर अकोमोडेशन में ड्रॉप करती है, फिर कितना दिन लगता है आपका TRC स्टैम्प होने में? TRC स्टैम्प होने में तो वही 6 महीने का यहाँ वीजा होता है।
नहीं, वो वीजा के बाद टीआरसी जो लगता है एक साल का, वो कितने दिन में स्टैंप हो जाता है? एक महीना। हाँ। क्योंकि अभी जो सिचुएशन मैंने सुना है दो दो तीन तीन महीना लग रहा है। हाँ। अभी जो मैंने आज सुना है। हाँ, वो दो दो तीन तीन महीने लग जाते हैं किसी में, जैसे किसी ने लेट कर दिया। हाँ। तो अब उनको तो लगेगा, लेकिन हम लोग का एक महीना लगा था। तो लाइफस्टाइल के मामले में अगर बात करें तो कैसा महसूस होता है इस कंट्री में? कैसे सपोर्टर लोग हैं यहाँ के, कैसे हैं सर्बियन लोग? कैसे यहाँ के लोग तो अच्छे हैं, जो लोकल लोग हैं वो बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं। और अपनी इंडियन कम्युनिटी से कभी कभी मुलाकात होती है आप लोगों की? हाँ, होती है। होती है। तो आप खुश हैं अभी इस वक्त? इस वक्त तो अभी खुश। क्या सपना है, यहाँ से आगे कहाँ मूव होना है? यहाँ से आगे मूव होना है, जैसे अब ये कंपनी में हम लोग को जितना भी मिल रहा है, हाँ, उससे थोड़ा और आगे मूव करने का सोच रहे हैं जी। तो दुआ करेंगे आपके लिए और कोशिश भी करेंगे कि इंशाल्लाह आप और आगे बढ़ो। एक और हमारे भाई है, पहले मैं इनका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अदीब है। अदीब, तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में तबरेज़ मलिक में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भी सेम आजमगढ़ से आते हैं? सेम है, आजमगढ़ से। क्या करते थे आप पहले, अपने वक्त में पहले क्या करते थे आप? मैं भी पहले ही सऊदी में ही था 5 साल। अच्छा, इनके भाई के साथ ही? नहीं, मेरे याद में था। अच्छा, ओके। फिर वो कोरोना आया तो कोरोना में चले गए घर। अच्छा, 2 साल बैठ गए घर पे। वहाँ सऊदी में क्या करते थे आप? मैं और ड्राइविंग करता था। अच्छा, ड्राइविंग करते थे। हाँ। वो 4-व्हीलर की 2-व्हीलर? 4-व्हीलर। 4-व्हीलर। तो कितने साल आपने सऊदी में काम किया? 5 साल। 5 साल काम किया आपने। हाँ। ओके, और मुझे बताइए तो ये बेलग्रेड के बारे में कहाँ से सोचा आपने कि बेलग्रेड जाना है? बेलग्रेड मेरा मुझसे पहले मेरे चचा का लड़का यहाँ पे आया था। अच्छा, उसके थ्रू आया। तो ये जो अबूसर भाई, इनसे आपका कोई रिलेशन पहले नहीं था? नहीं, ये मेरे गांव के पास ही के हैं, 10 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो रिश्तेदारी है तो उससे उसकी उसके साथ दोनों आप आ गए। तो कैसा मतलब ये सारे प्रोसेस में जितना बता रहे थे हो कि 1 साल का वक्त लग जाता है, तो वाकई में इतना लग जाता है? इतना लग जाता है, मिनिमम पकड़ के चले, जैसे जल्दी में काम होगा तो 6-7 महीना पकड़ लो। हाँ। और लास्ट बहुत ज्यादा होगा तो साल भर पकड़ लो, साल भर से ज्यादा नहीं जाएगा सारे प्रोसेस में। और ये जो यहाँ का जो लाइफ स्टाइल जैसे अब सर भाई बता रहे थे, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि आपका भी सेम कुछ है? हर कुछ सेम है, जॉब वही है, काम वही है आपका? कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हमारे लोगों को शेयर करना चाहेंगे जो इंडियन लोग हैं हमारे? लाइफ स्टाइल यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप इस वक्त तो ठंड लग रहा है, लेकिन बर्फ नहीं, तो मैं सुना बर्फ भी पड़ता है यहाँ पे। बर्फ में तो बहुत मजा आती है, वही अपना शिमला वाली मनाली वाली फीलिंग आ जाती है। तो क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो इंडियन लोग देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे आप एक्स्ट्रा? यही कहेंगे कि ट्राई करो यूरोप आने की। अगर गल्फ में नहीं सेट हो रहे हो तो ट्राई यूरोप ही करो। हाँ। आओ यहाँ पे सब ठीक है, थोड़ा मेहनत करो। हाँ, मेहनत करो, थोड़ा सबर रखो, यूरोप आने के लिए थोड़ा सबर। हमारे भाई लोग हैं सर्बिया के, बैठे हैं यहाँ पे, हमारे एक और भी भाई मिलने आए हैं, प्लस हमारे एक भाई और है, इनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई है, मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो भी ट्रेजेडी है उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। बट दुआ करेंगे इंशाल्लाह इन लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ डिटेल चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपके पास अगर एजेंट अच्छा है तो समझो आपके बल्ले बल्ले हैं, और आपका एजेंट अगर सपोर्टर है तो और बल्ले बल्ले हैं। वरना समझ लो दोस्तों कि फ्रॉड इस कदर चल रहा है कि मैं इंशाल्लाह और वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे 4.5-5 लाख रुपए देके इधर पे लोग आए और उनको फंसाया गया है। तो वीडियो नेक्स्ट और बनाऊंगा, अपग्रेड करूंगा। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।